अस्सलाम वालेकुम, करीमा किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ रोट। रोट के लिए मैंने इसके अंदर ये 1.5 कप रवा ली हूँ। 1.5 कप रवा और 1 कप मैदा, ये मिक्स कर दी छान के। और उसके अंदर 100 ग्राम खोवा और 1/2 कप असली घी। असली घी या डालडा या मस्का, आपके पास जो भी होगा वो आप डाल सकते हैं। और ये 2 चुटकी खाता सोडा, सिर्फ 2 चुटकी डालेंगे हम, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और उसके अंदर ये इलायची पाउडर 1 चम्मच और ये 7-8 बादाम पहले ही मैंने पीस के रखी थी, ये 7-8 बादाम ये भी डाल देंगे इसके अंदर। और ये असली घी ये भी इसके अंदर मिक्स कर देंगे। और ये थोड़ा खवा, खवे को भी हम ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्स करेंगे। और खवा फ्रिज में का नहीं ले, रूम टेम्परेचर पे ले। अब इसको अच्छा मिक्स कर लेंगे। ये हमने सब मिक्स कर लिए, घी, खावा, खाता सोडा, इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट, ये सब पूरे मिक्स कर लिए। अब ये हमने शक्कर 1.5 कप, दूध थोड़ा दूध और पानी, 1/2 कप दूध और 1/4 कप पानी मिक्स करके 1 घंटा पहले रख दिए थे भीगने के लिए शक्कर। अब ये शक्कर भीग चुकी है, अब ये हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करेंगे, एकदम नहीं डालेंगे। एकदम डालेंगे तो पतला हो जाएगा, फिर बनाने नहीं आएगा। इसके लिए थोड़ा थोड़ा करके डाल के मिक्स करेंगे। ये हमने मिक्स कर दिए। ये अगर आपका ये थोड़ा पतला हो गया तो उसमें थोड़ा रवा मिक्स कर सकते, और अगर घट हो गया तो थोड़ा पानी मिक्स कर सकते। तो ये ऐसी उसकी ये रखने का, ये 2 घंटे रख देने का रेस्ट के लिए। तो 2 घंटे में ये और थोड़ा सूख जाएगा, 2 घंटे के बाद फिर हम बनाएंगे। तो ये थोड़ी सी शक्कर बच गई है तो कोई बात नहीं, मीठा हो गया है ये। अब ये 2 घंटे के बाद हम इसको बनाएंगे। के बाद ये आटा ऐसा हो गया है, सूख गया थोड़ा। अभी ये ट्रे के अंदर थोड़ा घी लगा देंगे। फिर इसके गोले बनाएंगे। एक बादाम लगाएंगे उस पे सा। अगर आपको नहीं लगाना तो क्या? हमने प्रीहीट करने के लिए रख दिया,
और प्रीहीट हो जाने के बाद 25 मिनट लगा के फिर ओवन में रखेंगे। तो वेब को हमने 10 मिनट प्रीहीट कर दिए। अभी कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री पे रखेंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे और 25 मिनट लगाएंगे। पच्चीस मिनट लगाने के बाद फिर ये लो रैक पे ये ऐसा रख देंगे नीचे, इसको बंद करके फिर चालू कर देंगे। पच्चीस मिनट हो गए, 25 मिनट के बाद ये हमने निकाल दिए तो ये ऐसे हो गए। 25 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कैसा कलर है, पीछे से भी और सामने से भी अच्छी तरह से आपको तोड़ के भी बता देती हूँ। पूरे अंदर तक अच्छे से हो गए वो। अगर हमारा वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।